आपको बताने वाला हूँ कि एक एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे किस तरह के लाश को। नमस्कार, मेरा नाम हरेराम है और आप देख रहे हैं भारतीय आर्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं ना ही कोई न्यूज रिपोर्टर हूं और ना ही ये हमारा न्यूज चैनल है, लेकिन मैं एक इंसानियत के नाते इस वीडियो को बना रहा हूं और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी फर्ज वही बनेगा जो मैं कर रहा हूं। बस सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हम सभी लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और प्रवेश कर चुके हैं। तो इस वीडियो को जब आप लोगों ने देखा होगा कि स्ट्रेचर लेकर के लोग रोड पे ही पैदल ही जा रहे हैं, ये लगभग 2 किलोमीटर दूरी तक पैदल ही गए हैं हॉस्पिटल से, लेकिन एम्बुलेंस वहाँ पे पुलिस के द्वारा भी मुहैया नहीं कराया गया। हम उस समय वहीं पे थे और ये जो वीडियो आप देख रहे थे, ये वीडियो मैंने अपने फोन से रिकॉर्ड किया था। तो काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे थे, सर एम्बुलेंस मंगवा दीजिए, एम्बुलेंस मंगवा दीजिए, लेकिन एक भी एम्बुलेंस नहीं आया। स्ट्रेचर को ही लोग लेकर के जाने लगे। फिर 2 किलोमीटर चलने के बाद एक ट्रैक्टर पे सबको लोड कर दिया गया स्ट्रेचर सहित, उसके बाद जो है घर लेकर के चला गया सबको। लेकिन अब बात उठता है तेजस्वी यादव जी का मिशन 16, इसके तहत 60 दिनों में जो भी अस्पताल में कमी था उसे पूरा करना था, और इसके लिए जिला बाय जिला निरीक्षण टीम का भी गठन किया गया, जिसमें कि लगभग 150 लोग इस टीम में थे और प्रत्येक टीम में 4 से 5 लोग थे। लेकिन फिर भी दोस्तों क्या हुआ, आज आप लोगों ने देखा एक लापरवाही के कारण डॉक्टर नहीं थे अस्पताल में। 4 घंटा तक इस बेटी ने 4 घंटा तक तड़प तड़प के जान दे दी और डॉक्टर एक भी डॉक्टर देखने के लिए भी नहीं आया। आज इस लापरवाही के कारण इस बेटी का संसार खत्म हो गया। एक बेटा या बेटी कुछ है मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आज उसके सर से माँ का हाथ छिन गया है। गोद में जो बच्चा सोता था आज वो बच्चा अनाथ हो चुका है। कहाँ गए साहब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी? आप मिशन 16 का बात करते हैं, आपका पूरा मिशन 16 फेल्यूर साबित हो रहा है। जी हाँ, जम्मू का बात मैं कर रहा हूँ, जम्मू में एक भी यहाँ पे एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं होता साहब, क्योंकि यह लड़की तड़प तड़प कर, अगर एम्बुलेंस होता, अगर डॉक्टर होता तो आज ये लड़की जिंदा होती। मैंने अपना फर्ज पूरा किया भाई लोग,
अब इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि हर भारतीय के पास पहुंचे इस वीडियो को और वो जान सके बिहार का क्या हाल है। ये वीडियो बिहार के जम्मू जिला का था जो कि आप लोगों ने देखा किस तरह से लोग स्ट्रेचर को लेकर के ही रोड पे लाश को लेकर के अपना घर जा रहे हैं, और लगभग 2 किलोमीटर तक स्ट्रेचर को ही रोड पे ही बुलाते हुए लोग गए हैं घर। और एक भी देखा होंगे आप लोगों ने, एक भी एम्बुलेंस तक नहीं आया इस लड़की का शव घर तक पहुंचाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।